बट माई प्रॉब्लम इज, आपने देखा जो मोदी जी का टेन्यूअर स्टार्ट होता था, सर्विस टैक्स था 12.36%, फिर उसको बढ़ा के 14% किया, फिर 14.5 किया, 15 किया, और अब जीएसटी कर दिया 18%। और मोदी जी इतने स्मार्ट स्पीकर है, वो ना आपको एज एन ऑडियंस इमोशनली मैनिपुलेट ट्रैप कर देते, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि टैक्स की बात हो रही है, आपको लगता है मन की बात हो रही है। तो आप फुल लेंथ में रहते हो, एक दिन मोदी जी ऐसे आते हैं, मित्रों क्या बोलते हो, भारत साफ सुथरा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और आप, बिल्कुल होना चाहिए, भारत तो साफ सुथरा ही होना चाहिए यार, इनफैक्ट मैंने तो अपनी हार्ड डिस्क भी क्लीन कर दी, आप क्या बोल रहे हो यार, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये लो विश्वास, भारत 6.5%। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन मित्रों। अब आप भी बैकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए वो झाड़ू के साथ फोटो डाल दी थी, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया आप कर चुके हो, अब मोदी जी के पास उसका स्क्रीनशॉट है, अब आप एविडेंस मिटा नहीं सकते, आप अमित शाह नहीं हो। फिर मोदी जी इस तरह आपको ट्रैप करके, फिर मोदी जी 3-4 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं, हैशटैग वंडरलस्ट, हैशटैग सेरेंडिपिटी, आप भी लाइफ में बिजी हो जाते हो। फिर एक दिन मोदी जी फिर से आते हैं, मित्रों क्या बोलते हो, फार्मर्स की हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, फार्मर्स की हेल्प तो करनी चाहिए यार, इनफैक्ट मेरा तो फेवरेट पिज्जा है फार्मा से, आप क्या बोल रहे हो यार मोदी जी, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। ये लो फिर कृषि कल्याण 6.5%, हैशटैग ऑर्गेनिक लस्ट। तो अब क्या यार, अब मोदी जी कोई नई स्कीम लेके आते हैं, मैं बहुत डर जाता हूँ यार, क्योंकि सेस नहीं लगा दे यार। तो पिछली बार जब मोदी जी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब लेके आए, तो मैंने हाथ जोड़ दिया यार, बोले नहीं मोदी जी, मैं बार बार अपना चूतिया नहीं कटवाऊंगा यार, मेरे यहाँ पे केजरीवाल नहीं लिखा है, प्लीज। क्योंकि मोदी जी हर बार बेवकूफ बनाते हैं यार, पिछली बार बोला गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, मेरे घर से एलपीजी सिलेंडर उठा के ले गए यार, मैंने शाम की रोटी प्रेस से बनाई है उधर। देखो मोदी जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, मोदी जी बेसिकली टैक्स की दुनिया के क्राइम मास्टर गोगो है, मतलब। देखो ये सिर्फ जोक्स है, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं सच में यार, इनफैक्ट मैंने अपना वोट भी बीजेपी को ही दिया था, मतलब मैंने बटन कुछ और दबाया था, गया बीजेपी को दबाया। That joke was written by Kejriwal. See the point what I'm trying to make is, you know, my point is कि मोदी जी इतने स्मार्ट स्पीकर हैं, उनका क्राफ्ट पे इतना सही कंट्रोल है कि वो आपको कब इमोशनल कर देता है आपको आइडिया भी नहीं लगता यार, क्योंकि वो स्पीच स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, मित्रों जब मैं छोटा था मेरी माँ के घर में चूल्हा नहीं था, और आप एकदम से ऐसे इमोशनल हो जाते हो कि अरे यार ये माँ को ही बीच में लिया यार, मोदी जी बताओ कितने सिलेंडर से बात खत्म करो, लेके जाओ यहाँ पे यार, एक काम करो दादाजी का ऑक्सीजन सिलेंडर भेजाओ यार, नहीं आज नहीं तो कल अडवाणी जी के काम आने ही वाला है। तो मोदी जी इतने स्मार्ट हैं, उनको पता है हिंदुस्तान में अगर आपको पब्लिक की सिंपति चाहिए तो माँ से बड़ा कार्ड कोई कार्ड नहीं, और राहुल गांधी का बैड लक ही ये है क्यों माँ वाला कार्ड यूज नहीं कर पाता यार, वो जैसे बोले मेरी माँ, इसकी माँ तो सोनिया गांधी इटालियन है यार, मैं तो कहता हूँ उसकी माँ पे कसम चोटी लगा देनी चाहिए यार। पास्ता कल्याण 6.5%। तो आपने देखा कांग्रेस के पास अब सिंपति कार्ड बचा ही नहीं है, अब हिंदुस्तान में कांग्रेस को लोगों की सिंपति तभी मिलेगी जब राहुल गांधी का बेटा इलेक्शन में खड़ा होगा कि देखो मेरे पापा राहुल गांधी थे, एंड देन पीपल विल बी लाइक अबे यार ये गलत हो गया साथ यार। राहुल गांधी डजंट लुक लाइक अ रिलायबल पर्सन, राइट, लाइक यू कैन नॉट रिलाई ऑन राहुल गांधी, लाइक अगर राहुल गांधी किसी आदमी का राइट हैंड है तो वो आदमी जरूर लेफ्टी है,